विगत दिनों मुख्यमंत्री के वीआईपी ड्यूटी में मैहर जाते समय महिला आरक्षक की मौत पर एनएसयूआई ने विवेकानंद पार्क में कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि, शहीद का दर्जा दिलाने की करी मांग। विगत दिनों सतना जिले के मैहर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के वीआईपी ड्यूटी में सतना से मैहर जाते समय महिला आरक्षक विभा द्विवेदी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। रविवार की शाम एनएसयूआई के द्वारा विवेकानंद पार्क में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई और एक घर में मातम छा गया। उनका कहना है कि विभा की मौत ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए एवं उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए। विभा द्विवेदी जो हमारी बहन ही थी, पुलिस कांस्टेबल थी, उसके दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती है। उस दिन सीएम का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है सतना में और उसका ड्यूटी और भागा दौड़ी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बड़ा दुखद ये है कि उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, उसके बाद भी सीएम ना कि कोई भाजपा का जो पदाधिकारी है और वहाँ का ना सांसद ना विधायक कोई जाके वहाँ पर उससे मिलता नहीं है, ना कोई उसकी दवाइयों की व्यवस्था हो पाती है। उसको दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग मांग कर रहे हैं कैंडल जला के कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसको उसके परिवार को किसी व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपए उस परिवार को दिया जाए।